पटना एयरपोर्ट से कुछ ही मिनट में पुणे के लिए उड़ान भरने वाली थी फ्लाइट, तभी पायलट ने ऐसा क्या हुआ जो कर दिया इनकार। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E126 पुणे जाने के लिए तैयार थी, तभी विमान का पायलट अचानक घर चला गया। हर दिन किसी न किसी वजह से विमान सेवा प्रभावित होती रहती है। बुधवार को भी पटना से पुणे जा रहा एक विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन टेक ऑफ नहीं कर सका। टेक ऑफ से पहले पायलट ने अचानक उड़ान भरने से इनकार कर दिया। यह सुनकर सारे यात्री हैरान रह गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बाद में दिल्ली से दूसरे पायलट को मंगाया गया और 3 घंटे से विमान पुणे के लिए रवाना हुई। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E126 पुणे जाने के लिए तैयार थी। विमान करीब दोपहर 1:25 पर उड़ान भरने वाला था। यात्रियों को सुरक्षा जांच के बाद विमान में बैठा लिया गया था। पार्किंग से टैक्सी होते हुए विमान रनवे पर पहुंचा और क्रू मेंबर सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दे रहे थे। तभी क्रू मेंबर्स के साथ विमान में बैठे 162 बैठे यात्री भी चौंक गए, क्योंकि पायलट ने विमान उड़ान से मना कर दिया। घर जाने से पहले पायलट ने कहा कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इस वजह से वो फ्लाइट नहीं उड़ा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेक ऑफ से चंद मिनट पहले ही पायलट को उसके मां के देहांत की सूचना मिली थी। पायलट द्वारा उड़ान भरने से मना किए जाने के बाद फ्लाइट को वापस पार्किंग वे पे लाया गया। क्रू मेंबर समेत सभी 162 यात्रियों को बाहर निकाला गया। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट से अतिरिक्त पायलट को इस फ्लाइट को पुणे ले जाने के बाद बुलाया गया। 4:15 पर दिल्ली से पायलट आया, फिर यात्रियों को विमान में बिठाया गया और शाम 4:41 पर उन्हें लेकर फ्लाइट पुणे रवाना हुई। बता दें कि घने धुंध के कारण लगातार फ्लाइट रद्द और लेट हो रही हैं। मंगलवार को भी पटना आने वाले जाने वाली 4 जोड़ी फ्लाइट रद्द रही। इसके साथ ही 12 जोड़ी विमान देर से आए। हालांकि कोहरे की वजह से हाल सिर्फ पटना एयरपोर्ट का नहीं है बल्कि दरभंगा एयरपोर्ट का भी बताया जा रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।